कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के दूसरे नोटिस के बाद राहुल गांधी आज अपना बयान दर्ज करवाएंगे। राहुल गांधी अपने घर 12 तुगलक लेन से 9:30 बजे से 10 बजे के बीच निकलकर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक पहले वो 24 अकबर रोड यानी कि पार्टी मुख्यालय जाएंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं से मिलकर ईडी दफ्तर जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में राहुल गांधी को ईडी ने पहले 2 जून को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन विदेश में होने की वजह से राहुल गांधी पेश नहीं हो पाए थे। तो आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की पेशी है, इससे पहले भी बुलाया गया था लेकिन विदेश में होने के चलते वो पेश नहीं हो पाए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है, जो आज राहुल गांधी की पेशी है उसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता, ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तरफ से सत्याग्रह का ऐलान किया गया, हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उधर राहुल गांधी की पेशी पर कांग्रेस ने सत्याग्रह मार्च करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे पार्टी मुख्यालय पर जुटेंगे, जिसके बाद जनपथ रोड वाले ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे। कांग्रेस ने मार्च का ऐलान कर सत्याग्रह का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक किसी भी तरह की कोई परमिशन मार्च के लिए कांग्रेस को नहीं दी है। तो मार्च को पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, लेकिन इस बीच कांग्रेसी नेता जुटना शुरू हो गए हैं। और कांग्रेस के सत्याग्रह मार्च के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने दिल्ली के नेहरू मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो दोपहर 12 बजे तक नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मानसिंह रोड का इस्तेमाल ना करें। तो तब्दीली यहां पर मार्ग में की गई है। सत्याग्रह मार्च पर एक्शन में दिल्ली पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि परमिशन नहीं दी गई है। इस बीच आपको बता दें नेहरू रोड पर बैरिकेडिंग की गई है और ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता तमाम नेता यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईडी के सामने राहुल गांधी की अहम पेशी है। तो राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के बाहर उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाए। राहुल गांधी के समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर सत्य झुकेगा नहीं, राहुल गांधी झुकेगा नहीं, इस तरीके के स्लोगन देखे जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में उनके घर के बाहर पोस्टर लगाए गए। और इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी की पेशी पर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में आखिर राहुल गांधी पर इस तरीके की कार्रवाई क्यों की गई है और आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस पर आज पेशी होने वाली है। मार्च और सियासी महाभारत इस पूरे मामले पर क्यों हो रही है, तो आपको बताते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस। आपको बता दें कि 1938 में एसोसिएटेड जनरल कांग्रेस के पैसे से बनी एसोसिएटेड जनरल कांग्रेस के अखबार यहां पर निकलती थी। 3 अखबार थे, नवजीवन, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड। 2008 में घाटे की वजह से तीनों अखबार बंद कर दिए गए। 2011 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने यंग इंडिया नाम की कंपनी खोली। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को रियल एस्टेट कंपनी में बदला गया। गांधी परिवार पर अवैध रूप से संपत्ति के अधिग्रहण का आरोप लगा है। संपत्ति खरीदने के लिए पार्टी फंड का इस्तेमाल करने का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। और राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। रविवार शाम को ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों मुख्यमंत्री पेशी के खिलाफ निकाले जाने वाले सत्याग्रह
के मार्च में यहां पर शामिल होंगे। दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं भूपेश बघेल ने क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जिस प्रकार एक मैसेज दे रखा देश के अंदर, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम विचारधारा के आधार पर लड़े लड़ेंगे विपक्ष में रह करके, अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको कि डेमोक्रेसी में और क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष को वो निस्ताबूत करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे मोदी जी, तो ये जो बात है आज सारी एजेंसियाँ जो है, चाहे वो CBI, इनकम टैक्स, ED, DRI, जुडिशरी, सब पे इतना दबाव बना रखा है लोगों ने, निष्पक्ष होकर वो काम करना चाहे तो नहीं कर सकता है। ये हालात देश के अंदर है। केंद्र सरकार विपक्षियों को ED, IT, CBI, इन सब पे सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड को राशि दी गई थी कांग्रेस पार्टी, नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं, नेहरू जी ने स्थापित किया, सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात होगी और इसमें ED का क्या काम? लेकिन ज़बरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है। उधर राहुल गांधी की पेशी से पहले ही BJP और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। BJP ने कांग्रेस के सत्याग्रह मार्च पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी को अपमानित करने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि नोटिस से पार्टी ना तो डरेगी ना ही घबराएगी, पार्टी नेता राहुल गांधी के साथ ED दफ्तर तक मार्च करेंगे। 5 लाख रुपए में कंपनी आरंभ करके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालकिन और मालिक सोनिया और राहुल गांधी बने। उसके बाद क्या हुआ वो आप सुनेंगे तो और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सोनिया जी ने मोतीलाल वोरा जी को बुलाया, बोला जरा मोतीलाल जी आप अब जाके कांग्रेस के मोतीलाल वोरा से बात करो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि जो 90 करोड़ का लोन लिया था AJL के मोतीलाल वोरा ने, उसे माफ कर दिया जाए। आप सत्याग्रह के नाम पे बदनामी, महात्मा गांधी, बापू, पूज्य बापू जहां भी देख रहे होंगे आज, उनके आत्मा को भी तकलीफ हो रही होगी कि ये जो नकली गांधी हैं ये किस प्रकार से नकली सत्याग्रह करके मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर। ना झुकेंगे ना घबराएंगे, लड़ेंगे और असत्य और षड्यंत्र को एक बार फिर हराएंगे। सत्य ने हमेशा असत्य को मात दी है और इस बार पुनः सत्य की अग्नि परीक्षा हो रही है। सत्य असत्य षड्यंत्र और भ्रम को मिटाकर वापस प्रज्वलित होगा। आप मुद्दों से भटकाओ, आप मुद्दों को असत्य रूप से प्रस्तुत करो और आप नया मुद्दा जो है ही नहीं कृत्रिम रूप से उसको बुन के आप देश के सामने रख दो। तो ये 3D पॉलिसी ना तो पहले चली है ना नेशनल हेराल्ड के जो इश्यू है उसमें चलेगी। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बैठे गांधी परिवार के सदस्य मामले में दोषी हैं। जो पूरा मामला हेराल्ड से जुड़ा है उसमें पहले ही दोनों लोग जमानत पर हैं और जमानत पर होने के बाद अगर ED की नोटिस उनको प्राप्त हुई, एक बार दो बार आदमी को मना करना समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पेश होने की जगह राजनीतिक दबाव बनाना तो ये भ्रष्टाचार को कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक संरक्षण देने के समान है। वैसे भी भ्रष्टाचार से मुक्त भारत को बनाने के लिए
देश की जनता कांग्रेस से मुक्त भारत को बनाने की ओर आगे बढ़ेगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में अब तक क्या कुछ हुआ है, कैसे ये मामला कोर्ट पहुंचने के बाद कभी गांधी परिवार के लिए राहत लेकर आया और कभी उसने परेशानी भी खड़ी कर दी। तो नेशनल हेराल्ड पर कोर्ट में अब तक क्या कुछ हुआ है, 1 नवंबर 2012 आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की। 26 जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। 1 अगस्त 2014 ईडी ने मामले में संज्ञान लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 19 दिसंबर 2015 पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को रेगुलर जमानत दे दी। 12 फरवरी 2016 सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया लेकिन पेशी से छूट दे दी। 9 सितंबर 2018 दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। 4 दिसंबर 2018 की बात करें तो हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच जारी रहेगी। तो जिस नेशनल हेराल्ड केस ने इतना बड़ा सियासी बवाल मचा रखा है उस केस में आरोपी कौन कौन है वो भी आपको दिखाते हैं। तो नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी सोनिया गांधी, कांग्रेस चेयरपर्सन राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद मोतीलाल वोरा, कांग्रेस नेता 2020 में जिनका निधन हो गया है, ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस नेता 2021 में जिनका निधन हो चुका है, सुमन दुबे पत्रकार और सैम पित्रोदा पत्रकार, ये तमाम आरोपी हैं इस पूरे मामले में। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर के बालचाल से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर के बालचाल में सिंध नदी में फंसे लोगों को सेना ने बचा लिया है। ये लोग अपनी गाड़ी से नदी पार कर रहे थे तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और इनकी गाड़ी फंस गई। मौके पर पहुंचे सेना के जवानों ने चारों लोगों को रेस्क्यू कर लिया। तो बालताल में एक बार फिर से देवदूत बनी सेना, यहां पर सिंध नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब आपको दिखाते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। पुणे रूरल क्राइम ब्रांच की टीम ने सिद्धू मूसेवाला केस में शूटर संतोष यादव को स्पेशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जहां से उसे 20 जून तक के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया है। मूसेवाला केस के शूटर संतोष यादव को गुजरात से गिरफ्तार किया गया जिसके बाद पुणे रूरल क्राइम ब्रांच ने उसकी कस्टडी ले ली। पुणे रूरल क्राइम ब्रांच ने फिलहाल संतोष यादव को मकोका के केस में गिरफ्तार किया है जिसमें वो फरार था और गुजरात से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ने शूटर संतोष यादव की कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिसमें वो अलग अलग हुलिये में नजर आ रहा है। संतोष यादव की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके ऊपर हत्या, फायरिंग और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। मूसेवाला केस में शूटर संतोष यादव पर अपराधी ओमकार हत्या के बाद मकोका लगाया गया था और तब से वो फरार था। अपराधी ओंकार की पिछले साल हत्या हुई थी और पुणे क्राइम ब्रांच को संतोष यादव की इसी मामले में तलाश थी। कस्टडी मिलने के बाद पुणे रूरल क्राइम ब्रांच ने संतोष यादव को पुणे के खेत के राजगुरुनगर लॉकअप में शिफ्ट किया है और सुबह उसे पूछताछ के लिए पुणे रूरल क्राइम ब्रांच लाया जाएगा। संतोष यादव के साथ गुजरात से उसके गैंग के एक और मेंबर को भी गिरफ्तार किया गया। संतोष यादव से सलमान खान थ्रेट केस में भी पूछताछ होगी। मुंबई क्राइम ब्रांच इसको लेकर भी सवाल जवाब की तैयारी कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेस्क में जबरदस्त जंग जारी है। डोनेस्क पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर, डोनेस्क पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन को हथियार की जरूरत है और जरूरत पड़ सकती है, यह भी खबर निकल कर आ रही है। डोनेस्क पर यहां पर बड़ा दावा किया जा रहा है।
और जंग के 108वें दिन पुतिन का फॉर्मूला नंबर 108 बहुत चर्चा में है। ये चर्चा शुरू की गई है ब्रिटेन ने और इसका संकेत ये है कि अब यूक्रेन के अंदर युद्ध और ज्यादा भड़कने वाला है। क्या है पुतिन का ये नया फॉर्मूला, रिपोर्ट देखिए। जैसे जंग लंबी खींच रही है, पुतिन का गुस्सा भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है, यूक्रेन की जंग में और भयंकर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इस हेडलाइन का मतलब है रूस ने यह धमकी दी है कि वो यूक्रेन में और खतरनाक महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या ब्लैक सी यानी काले सागर के बाद बाल्टिक सागर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है? आखिर क्यों पुतिन के दुश्मन नेटो देश लगातार बाल्टिक सागर में एक्टिव हो रहे हैं? क्यों बाल्टिक सागर के खारे पानी में आग लगी हुई है? दरअसल ये जानकारी ब्रिटेन से सामने आ रही है कि अब रूस इस तरह हताश हो चुका है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए ऐसे हथियारों का सहारा लेना चाहता है जो बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या कर सकते हैं या लोगों को घायल कर सकते हैं। ये तस्वीर थी, ये रूस की एक पुरानी खतरनाक मिसाइल से किया गया हमला है। इस मिसाइल का नाम है KH-22। इस खतरनाक मिसाइल को ब्रिटेन ने महाविनाशक हथियार करार दिया है और कहा है कि अब पुतिन इस खतरनाक KH-22 मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये KH-22 1960 के दशक का रूसी हथियार है। इस मिसाइल का निर्माण रूस ने तब किया था जब दुनिया उसे सोवियत संघ के नाम से जानती थी। ये मिसाइल ऐसे किसी भी विमान को नष्ट करने में सक्षम थी जिसमें परमाणु हथियार लोड हो। खासकर ये मिसाइल रूस ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी, लेकिन अब इसका असली यूज यूक्रेन के युद्ध में किया जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जब इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल जमीनी हमलों के लिए किया जाए तो इसे बेहद गंभीर माना जाता है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं। दावा ये किया जाता है कि जहां भी ये मिसाइल गिरती है 10 मीटर से ज्यादा का गड्ढा कर देती है। इसका मतलब साफ है कि दुश्मन अगर जमीन के नीचे 10 मीटर तक बंकर में भी छुप जाए तो इस मिसाइल से मारा जा सकता है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर पर मौजूद दुश्मन को भी नष्ट कर सकती है। 5,500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से ये मिसाइल अपने टारगेट पर टूट पड़ती है। सबसे बड़ी बात ये कि परमाणु हमला करने में भी ये सक्षम है। रूस की इस मिसाइल ने यूक्रेन में बहुत जबरदस्त तबाही मचाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुतिन को इतने पुराने हथियार क्यों निकालने पड़ रहे हैं जो साल 1960 के दशक के हैं। दरअसल खबर यह है कि पुतिन के हथियारों के जखीरे में अत्याधुनिक मिसाइलों की संख्या लगातार घट रही है और यही वजह है कि पुतिन की आर्मी 1960 के दशक की KH-22 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है जो यूक्रेन की इमारतों को खंडहरों में तब्दील कर दे रही है। यूक्रेन युद्ध में ऐसे ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जो यूक्रेन को महाविनाश की तरफ
लेकर जा रहा है। यूक्रेन के गांव में ऐसे घातक हथियार से हमले हो रहे हैं। इन हथियारों से हमले में आम लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन्हें कहते हैं फ्लेम थ्रोवर वीपन, मतलब वो हथियार जो आग फेंकते हैं। ऐसे हथियार भी महाविनाशक माने जाते हैं। विजय ने आरोप ये लगाया है कि रूस यूक्रेन के अंदर इस तरह के फ्लेम थ्रोअर वीपन का भी इस्तेमाल कर रहा है। लुहांस के गवर्नर ने यूक्रेन को यह आरोप लगाया है कि लुहांस के गांव में आग लगाने वाला फ्लेम थ्रोअर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। लुहांस के गवर्नर ने यह भी बताया कि फ्लेम थ्रोअर रॉकेट सिस्टम से गांवों पर हमले हुए जिसमें आम लोगों के घर जलकर राख हो गए। ही नहीं, यूक्रेन का आरोप तो ये भी है कि रूस सेवेरोदोनेत्स्क में भी फ्लेम थ्रोवर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों के बाद भी पुतिन की आर्मी के पांव इस इलाके में जम नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधि продовжує вогневий вплив із мінометів по позиціях сил оборони в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Грем'яч, Лугівка та Попівка. На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій сил оборони ворог здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Флейм тровер, яні аг фекне вале хатьяро ка істемал दूसरे विश्व युद्ध में भी किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध की इन तस्वीरों से साफ है कि फ्लेम थ्रोवर हथियार हमेशा से ही दुश्मन देशों की सेना के लिए एक बड़ा संकट साबित हुए हैं। कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं, जो पुतिन के गुस्से को भड़का रही हैं। सबसे पहले ये मैप देखिए, ये है बाल्टिक सागर, जो कि रूस के पड़ोस में मौजूद है। समंदर से छूते हुए कई ऐसे देश हैं जो नेटो के साथ हैं। यही वजह है कि बाल्टिक सागर में भी नेटो अपना डिफेंस तैयार कर रहा है। अब बाल्टिक सागर में ही नेटो ने एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। नेटो ने आरबीएस 70 एयर डिफेंस को अपने युद्धाभ्यास में शामिल किया है। क्या है ये आरबीएस 70? आरबीएस 70 को स्वीडन की कंपनी बोफोर्स डिफेंस ने तैयार किया है। आरबीएस 70 एक शॉर्ट एयर रेंज डिफेंस लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इस वक्त दुनिया के 18 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए आरबीएस 70 को खरीदा है। आरबीएस 70 डिफेंस सिस्टम से निकला मिसाइल 8 किलोमीटर तक की रेंज में 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ईरान ने इराकी विमानों के खिलाफ ईरान इराक युद्ध के दौरान आरबीएस 70 हथियार का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, पुतिन के आदेश पर रूस की तरफ से नेटो और पोलैंड को चेतावनी भी दी गई है। दरअसल पोलैंड ही वो जगह है जहां से नेटो के हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो रही है। ये सप्लाई जब तक जारी रहेगी, पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर नहीं ला पाएंगे। पोलैंड की तरफ से लगातार यूक्रेन को मदद दी जा रही है, और सबसे बड़ी मदद है वो जमीनी रास्ता देना जहां से हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को की जा रही है।
पुतिन पहले भी इन दुश्मन देशों को चेतावनी दे चुके हैं। कुल मिलाकर ये जंग ऐसी दिशा में आगे बढ़ती जा रही है जहां युद्ध के और ज्यादा भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब आगे देखिए देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। वाला केस में आरोपी शूटर संतोष यादव गिरफ्तार हो गया है। पुणे रूरल क्राइम ब्रांच को उसकी कस्टडी मिल गई है और वो 20 जून तक उसी के पास रहेगा। संतोष यादव के साथ उसका एक और साथी भी गिरफ्तार किया गया है। संतोष यादव से सुबह 10:30 बजे पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा सलमान धमकी केस में भी उससे सवाल जवाब होने वाले। पंजाब पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी संतोष यादव की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं, जिसमें वो अलग अलग वेशभूषा में नजर आ रहा है। संतोष यादव की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है और उसके ऊपर हत्या, फायरिंग और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। शातिर अपराधी ओमकार की हत्या के बाद उस पर मकोका लगाया गया था और तभी से फरार था। राहुल गांधी सुबह ईडी के सामने पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल को ईडी ने पहले 2 जून को पेश होने को कहा था, लेकिन विदेश में होने के चलते राहुल गांधी पेश नहीं हो पाए। ईडी के दूसरे निर्देश के बाद राहुल गांधी सुबह अपना बयान दर्ज करवाएंगे। राहुल गांधी के ईडी के सामने पेश होने के मौके पर कांग्रेस ने सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री, बड़े नेता, सांसद और कार्यकर्ता सत्याग्रह करते हुए सुबह 9 बजे ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे। राज्यों में भी ईडी दफ्तरों के सामने यही कार्यक्रम होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को इसकी इजाजत नहीं दी थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद भड़के हिंसक मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद का मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने मकान गिराने की कार्रवाई की। जावेद पर आरोप था कि उसने करेले की जेके आशियाना कॉलोनी में बिना नक्शा पास करवा के 2 मंजिला मकान बनवाया था। इससे पहले जावेद को नोटिस भेजा गया था कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस बारे में एक नोटिस जावेद के घर चिपकाया था। भोपाल में एक महिला पर ब्लेड से अटैक करने वाले आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई में भोपाल अरेरा हिल्स इलाके में कार्रवाई हुई है। ब्लेड अटैक का आरोपी बाशरा बेग हिस्ट्री शूटर है और उस पर करीब 32 मामले दर्ज हैं। बाशरा बेग ने अपने 2 साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्लेड अटैक की पीड़ित से मुलाकात की है। उन्होंने पीड़ित की बहादुरी की तारीफ की। राज्य सरकार ने ब्लेड अटैक में घायल लड़की के पूरे इलाज का जिम्मा लिया है और उसे 1,00,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया। पीड़िता से आरोपी ने छेड़छाड़ की थी, जिसका उसे आपको बता दें उसका विरोध किया था जिसका उसने और जिसके बाद उसने उस पर हमला ब्लेड से कर दिया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में खाद के गोदाम में 300 बोरी खाद चोरी हो गई, जिसकी कीमत करीब 4,00,000 रुपए बताई जा रही है। इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चोर ताला तोड़कर गोदाम में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। पन्ना जिले में कई महीनों से खाद की किल्लत है और चोरी की घटना को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लखनऊ से हरदोई जा रही एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग अचानक लगी और देखते ही देखते स्वाहा हो गई, लेकिन कार में सवार ड्राइवर समय रहते निकल गया और उसने अपनी जान बचा ली। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद करीब आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। जितनी देर तक आपको बताते कार यहां पर जल गई थी, यातायात प्रभावित रहा। बाद में पुलिस ने जेसीबी की मदद से जली हुई कार को वहां से हटा दिया। राजस्थान के अजमेर में एक लुटेरी दुल्हन गहने के साथ अपनी ननद को लेकर भाग गई। घटना के 20 सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दुल्हन के साथ दूल्हे की बहन भी भागती हुई नजर आ रही है। परिवार वालों का ये कहना है कि वो 3.5 लाख का सामान लेकर फरार हुई है और ननद को भैला फुसलाकर अपने साथ ले गई। लुटेरी दुल्हन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पटना में एक ब्रिज पर हादसा हो गया। वहां पर एक कार तेज रफ्तार से आई और डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद कार पलट गई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बाइक वाले को बचाने के चक्कर में कार का संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर से जा टकराई।
महाराष्ट्र के पुणे के भवानी पेच इलाके में अचानक एक धमाका हुआ है जिससे हड़कंप मच गया। लोगों ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई और पता चला कि धमाका एक फ्लैट में हुआ है। पुलिस ने वहां से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है, लेकिन धमाका किस चीज से हुआ है ये पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के भरतपुर में सैनी समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से 12% आरक्षण की मांग की। इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे, जहां पर इन्होंने आगरा जयपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान वहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा देखी गई। बिहार के गोपालगंज में जल जीवन हरियाणी अभियान के तहत अतिक्रमण करने वालों के घर पर बुलडोजर चले हैं। इस अभियान का मकसद जल स्रोतों को बचाना है और इसी वजह से इस अभियान के तहत उन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जिन्होंने तालाब, नदी और सड़कों की जमीन पर अतिक्रमण किया था। गोपालगंज में 2 दिन प्रशासन की कार्रवाई हुई और 60 से अधिक मकानों पर बुलडोजर चला। गुजरात के आणंद में 2 गुट आपस में भिड़ गए और उन्होंने एक दूसरे पर पथराव किए। विवाद जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसकी वजह से 2 गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पत्थरबाजी के इस मामले में 4 लोग घायल हुए हैं, ये खबर निकल कर आ रही है। और श्रीनगर के बालचाल से सिंध नदी में फंसे 4 लोगों को बचा लिया गया है। गाड़ी नदी में फंस गई और तेज बहाव की वजह से वो निकल नहीं पा रहे थे, जिसके बाद सेना ने उनका रेस्क्यू किया है और फिलहाल 4 को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें सेना के जवान क्रेन से उन्हें बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के इटावा से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 गुट एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को स्थानीय लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन मारपीट करने वाले सुनने के मूड में नहीं थे, वो एक दूसरे पर टूट पड़े। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही की वजह से बात इतनी भिड़ी। पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में ग्रेनेड मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस यहां पर पहुंची है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और एनएसजी की टीम को इसकी जानकारी दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम ने काफी मशक्कत के बाद ग्रेनेड को डिफ्यूज किया है। मयूर विहार के डीएनजी फ्लाईओवर के पास ग्रेनेड मिलने की सूचना मिलते ही एफएसएल की टीम ग्रेनेड की जांच में जुट गई है। मानसून ने महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। 11 जून से मानसून का रूप यहां पर बदल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में बेहद मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं बारिश के कारण महाराष्ट्र के अकोला जिले में करोड़ों का नुकसान हुआ है। शिवनी रेलवे स्टेशन में रखे हुए खाद और सीमेंट की बोरियां बारिश ने बर्बाद कर दी। मुंबई एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 किलो 800 ग्राम ड्रग जब्त किए हैं। एनसीबी मुंबई की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एजेंसी के यहां पर यह कहा है कि जब्त की गई दवाओं को वाटर प्यूरिफायर के अंदर बने एक विशेष कैविटी में छुपाया गया है। पार्सल ऑस्ट्रेलिया के लिए गया था, लेकिन एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए ड्रग्स को पकड़ लिया है।